कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खुदावन के फजल से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्ती रेस्टोरेंट स्टाइल आपके लिए वाइट कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार और घर पे आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई हमेशा जो है वो रेस्टोरेंट में लोहे की कढ़ाई में बनती है, तो वाइट कढ़ाई बनाने के लिए हमने ये कढ़ाई ले ली है। ये देखें इतनी मोटी है, ये भारी पैंदे का कोई भी बर्तन है वो यूज़ करना चाहिए इसके लिए। तो इसमें हम ऐड करेंगे, ये 2 किलो हमने चिकन लिया, इसको कढ़ाई वाली कटिंग हमने करवाई है। वो दुकान वाले को बोलें तो वो इसी तरह काट के दे देते हैं। लेग पीस भी देखें मैंने पूरा लिया है, अगर हम इसको कटवा देते हैं तो ये पूरा गोश्त जो है वो उतर जाता है। तो ये मैंने 2 किलो चिकन की इस तरह बोटियाँ करवा ली हैं, जो कढ़ाई वाली होती हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और कढ़ाई को वाइट ही रखने के लिए हम इसमें सिर्फ प्याज का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई भी जो इसका कलर चेंज करे ऐसी कोई भी चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं होती है, ना टमाटर, ना रेड मिर्ची, ना हल्दी, ना कोई चीज़ नहीं। सिर्फ इसमें ये हमने 2 प्याज लिए हैं, इसको मैंने काट लिया है, बारीक चॉप कर लिया है, जो इसकी ग्रेवी को थोड़ा थिक करेगा, क्योंकि दही से ग्रेवी थिक नहीं होती है, वो पतली रह जाती है, इसलिए इसमें प्याज ऐड करते हैं। ये 2 चम्मच मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको डाल सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी, ये 2 ग्लास मैंने पानी लिया है, ये हमारे प्याज को और चिकन को दोनों को गलाएगा और अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि नमक भी हमारा इसमें मिक्स हो जाए, और इसको हम अभी उबलने के लिए छोड़ेंगे। तो ये देखें चिकन हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है, अभी हम इसको ढक के और 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारे प्याज भी अच्छे से गल जाएं और ये हमारा चिकन जो है ये भी अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। तो आग को हमने मीडियम रखना है, इसको ढक्कन दे के हम पकाएंगे। तो ये देखें अभी इसमें बॉयल आ गया है, इसके साथ ही हमने ये 2 चम्मच इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डालना है, ये 2 चम्मच हैं। इसमें अदरक नहीं डलती है, सिर्फ हम इसको लहसुन में पकाएंगे। अदरक जो है वो हमने काट के रखी हुई है, वो कटी हुई अदरक डलती है, ये हम बाद में डालेंगे। अभी सिर्फ 2 चम्मच मैंने इसमें लहसुन डाला, क्योंकि 2 किलो है, अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तो आपने लहसुन जो है वो 1 चम्मच डालना है, और प्याज भी 1 आपने डालना है, और नमक भी 1 चम्मच डालना है। अभी हम इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें हमारे पास 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें चिकन जो है हमारा काफ़ी टेंडर हो चुका है, और जो हमने प्याज डाले थे वो भी ये देखें सारे गल गए हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले इसमें बहुत मुख्तसिर से जाएंगे, जो कि कुछ यूँ हैं। ये मैंने 1.5 चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर और 1.5 चम्मच भर के धनिया पाउडर लिया है, ये बड़ा अच्छा सा फ्लेवर देगा। और ये ही मसाले इसमें सिर्फ हैं, और साथ में हम डालेंगे इसमें ये 2 चम्मच भर के मैंने लिया है वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्ची का पाउडर, क्योंकि हमने वाइट बनाना है इसको, तो इसमें हम सफ़ेद मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने इसमें डाल दिया है, अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे ऑयल, क्योंकि ऑयल के बगैर हमारे मसाले जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे। तो ऑयल तकरीबन मैं इसमें 1.5 कप इस्तेमाल कर रही हूँ, के बाद में हम इसमें बटर का भी यूज़ करेंगे, इससे हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। 1 से 2 मिनट हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारे मसाले भी भुन जाएं,
और ये देखें हमारा पानी जो इसमें था वो भी सारा खुश्क हो गया है। ये देखें पानी भी खुश्क हो गया है और प्याज भी हमारे सारे जो हैं वो गल गए हैं और ये पिस गए हैं। मीडियम आग करके फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो 2 किलो चिकन में मैंने ये 750 ग्राम दही लिया है। ये दही हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। ये देखें दही मैंने डाला था। दही डालने के बाद मैंने 3 से 4 मिनट इसको पकाया है और इस पे ढक्कन नहीं देना है वरना चिकन में से और पानी निकलेगा तो फिर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा और कुछ मुश्किल से होता है, इसलिए ढक्कन नहीं दिया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे दही के अंदर। ये देखें ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी बन गई है, ऑयल भी ऊपर नज़र आने लग गया है। इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी ये 3 से 4 हरी मिर्ची मैंने काट ली है और ये कुछ स्लाइस की हुई अदरक है, ये हम इसके ऊपर डालेंगे और थोड़ी सी हम काली मिर्ची भी इसमें इस्तेमाल करेंगे, उससे थोड़ा तीखापन भी आएगा और इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा सा इसमें आ जाएगा। ये देखें ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच ली है काली मिर्ची। ये देखें काली मिर्ची डालते ही कलर इसका चेंज होने लग गया, इसीलिए काली मिर्ची का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम करना है, ज़्यादा हमने वाइट पेपर यूज़ करना है। तो ये हमारी कढ़ाई जो है ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई है और चिकन भी हमारा टेंडर हो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें अभी हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। तो मैंने 200 ml क्रीम ले ली है क्योंकि 2 किलो कढ़ाई थी, ये इसमें ऐड कर लेंगे क्योंकि ये इसका किप करने वाला आइटम नहीं है, ये तो लाजमी जाती है वाइट कढ़ाई के अंदर क्रीम। ये देखें क्रीम डालने के बाद मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक पका लिया है और ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी ग्रेवी जो है क्रीम उसमें मिक्स हो गई है, ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो गई है और चिकन हमारा देखें आप बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब हम चूल्हे को कर देंगे बंद, ऑयल भी ये देखें हमारा ऊपर आ गया है और ग्रेवी जितनी हमने रखनी है उतनी, जितनी हमें चाहिए उतनी हमने रख ली है। ज़बरदस्त कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है, चूल्हा हमने बंद कर दिया है और अब हम इसमें इसको गार्निश करेंगे ये हरी मिर्ची से। ये इस तरह मैंने कट कर ली है, हम इसमें डालेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए बटर इस तरह, और इसमें डालेंगे हम ये धनिया और इसमें डालेंगे हम ये अदरक कटी हुई इस तरह। बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब हमारी कढ़ाई बनके रेडी हो गई है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।